अच्छा जैसे हमने कैटेगरीज को डालना सीखा पोस्ट में वैसे ही हम टैग्स को सीखेंगे कि टैग्स को हम कैसे पोस्ट में डाल सकते हैं और दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है बिकॉज दोनों का एक डिफरेंट फंक्शन है तो ये जहन में रखिएगा कि कैटेगरी सर्व अ डिफरेंट फंक्शन वैल टैग्स सर्व अ डिफरेंट फंक्शन इनकी हमें क्या ज़रूरत है इनको डालना क्यों ज़रूरी है इनसे हम कैसे अपने कॉन्टेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये जहन में रखिएगा इस पर ज़्यादा पढ़िएगा इस पर ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिएगा टैग्स का जैसे हमने जिक्र किया टैग्स ये लफ्ज़ आपने सुना होगा या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सुनेंगे इट्स जस्ट लाइक नेम टैग जिस तरह आपका एक आई डी कार्ड इज योर नेम टैग वैसे ही टैग्स आर यूज टू डिफाइन फाइन ट्यून्ड कैटेगरीज को डिफाइन uh, करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट को ज़्यादा तरह से ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वे या सबसे इम्पोर्टेंट uh, चीज़ जो टैग से रिलेटेड है वो ये है कि ये सर्च इंडियंस को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपका कॉन्टेंट किस चीज़ के बारे में तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पोस्ट करते हैं जो कि है सियालकोट और फुटबॉल और ब्रजुका के बारे में आप इस ब्रोजुका क्या है ब्रोजुका इज़ द फुटबॉल दैट सियालकोट प्रोड्यूस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप अब अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये सारी कैटेगरीज नहीं डाल सकते इसमें कैटेगरी सिर्फ एक होगी विच विल रिलेटेड विच विल बी रिलेटेड टू योर मेन वेबसाइट लाइक फॉर एक्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है पाकिस्तान और ट्रेवल और टूरिज्म के बारे में तो इसमें जो कैटेगरी है वो होगी सयालकोट बट इसमें आप डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं आप रजूका डाल सकते हैं आप फुटबॉल डाल सकते हैं आप uh, ग्लोबल डाल सकते हैं आप सयालकोट भी एज अ टैग डाल सकते हैं सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन टैग्स एंड द डिफरेंट बिटवीन कैटेगरीज ये जहन में रखिएगा इसको प्लीज़ uh, याद रखिएगा इन केस यू फोगेट कि टैग्स आपको सिर्फ नज़र आएंगे पोस्ट पे और जो कैटेगरीज भी हैं वो आपको सिर्फ नज़र आएंगी पोस्ट पे पेजेस पे टैग्स और कैटेगरीज़ का कोई काम नहीं है लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्लगइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको यूज़ करते हुए आप टैग्स uh, और कैटेगरीज को पोस्ट पे डाल सकते हैं एक और डिफ्रेंशिएटर जो मुझे जहन में आ रहा है जो शायद आपको Uh, नजर भी आए जब आप कोई वेबसाइट्स जाके देखेंगे वो ये कि टैग्स आपको यूजली तौर पे वेबसाइट्स पे सामने नजर नहीं आएंगे कैटेगरीज आएंगी बट मैनी फ्यू वेबसाइट्स ओनली पुट टैग्स इन द फ्रंट जैसा मैंने कहा कि टैग्स का मकसद है मेरे कॉन्टेंट को ज्यादा ऑर्गेनाइज करना सो वी विल गो टू आवर वेबसाइट एंड वी विल सी हाउ वी कैन यूज टैग्स टू मेक द कॉन्टेंट वो ऑर्गेनाइज मैं अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करूंगा लॉग इन करने के साथ ही आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट सो अब मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा अपने शहर के बारे में द सिटी दैट आई लव द सिटी दैट आई बिलोंग टू एंड दिस सिटी इज द सिटी कॉल्ड इस्लामाबाद विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सो इस सिटी uh, के बारे में आई वुड लाइक टू राइट कि इस्लामाबाद इज अ पीसफुल and beautiful city. Or is related may up a content like sector Islamabad was founded in the sixties. It is a beautiful city. It's also the capital of the Islamic Republic of Pakistan and has really good weather. एंड पीसफुल इन्वायरमेंट और इससे रिलेटेड मैं इस्लामाबाद ये एक पिक्चर सर्च करूंगा जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल सो आई सर्च फॉर अ पिक्चर ऑफ इस्लामाबाद एंड लेट्स सी वड आई फाइंड सो आई लाइक दिस पिक्चर बट आई लाइक दिस पिक्चर मोर बल्कि छोड़ें ये एक मेट्रो की पिक्चर उठा लेते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और इसको हम सेव करते हैं याद रखिएगा ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं इमेजेस मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। राइट यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन से इमेजेस हैं जिन पे कॉपीराइट अप्लाई होता है तो मैंने इमेज सेव कर लिया है आई विल सेट दिस फीचर्ड इमेज अपलोड करके और अब आप देख रहे हैं दिस ब्यूटीफुल इमेज हैज बीन सेट एज माय फीचर्ड इमेज ये यहां पे नजर भी आ रहा है और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस्लामाबाद क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है एंड आई क्लिक दिस पब्लिश जैसे मैंने पब्लिश क्लिक किया मैं अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि इस्लामाबाद की ब्यूटीफुल पिक्चर कैटेगरी भी इस्लामाबाद टैग हो गई है कॉन्टेंट भी आ गया फाइन ट्यून नहीं है कॉन्टेंट इफ़ समबड़ी वॉज टू फाइंड और इफ़ समी वॉज टू कम टू माई वेबसाइट एंड फाइंड कॉन्टेंट थ्रू टैग्स तो वो नहीं सर्च कर सकता सो आई एम गोइंग टू ऐड अ फीचर कॉल्ड टैग्स तो यहाँ पे मैं कुछ टैग्स डालूंगा सो आई कैन सर्च और आई कैन ऐड सिटी और कॉमा से आप टैग्स को सेपरेट कर सकते हैं सो आई एम गोइंग टू क्लिक अ कॉमा एंड आई कैन ऐड अ टैग कॉल्ड ब्यूटीफुल आई कैन ऐड अ टैग कॉल्ड पाकिस्तान और कैपिटल आई कैन आल्सो ऐड अ टैग कॉल्ड इस्लामाबाद इस तरह से आई हैव एडेड डिफरेंट और ये टैग्स आपको यहां पे नजर भी आ रहे हैं कि अब ऐड हो गए इनके साथ एक एक्स का निशान है जिससे अगर मैं कोई टैग रिमूव करना चाहूं फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल आई कैन जस्ट रिमूव दैम एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन अपडेट जैसे ही मैंने इस कॉन्टेंट को सेव किया एंड वेन एवर आई गो टू माई वेबसाइट तो नाउ यू कैन सी टैग्स है दिस इज ऑफ यूजिंग टैग्स To make your content more understandable and easy to navigate. So, this is how content really works using tags, and tags can be used to fine tune content and make your content more searchable.